हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज़। सो गाइज, आज हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कोई भी आप चीज़ परचेज करते हो या सेल करते हो, परचेजिंग के टाइम आपको उस चीज़ के ऊपर, उस आइटम या प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी अप्लाई करके देन आप उसको परचेज कर सकते हो। सेम एज सेलिंग भी होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो अगले पर्सन से आप जीएसटी कट करके ही पूरा अमाउंट लेते हो। तो इस सारे प्रोसेस को हम टैली के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं वो आज हम देखते हैं। आज हम देखेंगे कि परचेजिंग के टाइम जीएसटी कैसे अप्लाई होता है, जीएसटी की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और ये मिनिमम इसकी जो लिमिट है वो 5% और देन आप 12% भी लगा सकते हो, 18% और 28%। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ खरीद रहे हो, यानी कि गारमेंट्स के ऊपर अलग से लगता है, कोई फूड आइटम्स के ऊपर डिफरेंट होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स के ऊपर डिफरेंट होता है। तो वो सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करके रखे हुए हैं। तो हम एक बार वाउचर्स के अंदर आ जाते हैं। कोई भी चीज़ परचेज करके उसके ऊपर जीएसटी को किस तरह से अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी इनवॉइस नंबर दे दो, लेट मैंने 101 दे दिया। देन हम यहाँ पे एक पार्टी नेम क्रिएट कर लेते हैं, लेट मैंने अमन नाम से एक पार्टी क्रिएट की है जो कि सन्ड्री क्रेडिटर रहेगी हमारी, और इसको आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा लेना है। कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे आपको F11 के फीचर्स भी ऑन करने हैं। तो जीएसटी के ऊपर आ जाओ, जीएसटी जैसे ही यस करोगे यहाँ पे स्टेट, जैसे मैंने पंजाब फिल कर दिया तो पंजाब रेगुलर ही रखेंगे इसको, और यहाँ पे हम जीएसटी ऑर्डर डिटेल्स को कर देंगे यस। जैसे ही हम इसको यस करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स आ गया, तो लेट हम 18% के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल और स्टेट, और वो सेम पार्ट्स में ही होता है। जैसे 18% हमने इंटीग्रेटेड लगाया है, सेंट्रल का 9 जाएगा और स्टेट का भी सेम 9 जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करवा लेना है एज इट इज़, और कंट्रोल ए कर दो। अब यहाँ पर मैंने एक परचेज का ऑलरेडी लेज़र क्रिएट करके रखा था, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ ये लेज़र। कंट्रोल एंटर करेंगे, यहाँ पे मैंने जीएसटी को एप्लीकेबल करके रखा है, और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी हम यस कर देंगे। यहाँ पे आप कोई भी ब्रांच वगैरह डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मैं इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखूँगी। टैक्सेबल रखना है 18% और 99% रखेंगे। देन आपको गुड्स के ऊपर ही लगाना है, क्योंकि हमें आइटम्स के ऊपर लगाना है, तो यहाँ पर गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी को सर्विसेज के ऊपर लगाना है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पर एक शर्ट्स का आइटम क्रिएट करके रखा है, तो इसकी जो हम एक्चुअल क्वांटिटी 10 ले लेते हैं, बिल भी मुझे 10 का ही बनवाना है, और इसका रेट मैंने ले लिया लेट 750, और टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाती है 7500। अब यहाँ पे मुझे दो लेज़र्स क्रिएट करने हैं, तो क्रिएट करेंगे एक लेज़र CGST का। CGST यानी कि सेंट्रल GST टैक्स जो होता है, तो यहाँ पे CGST अप्लाई करेंगे। ये मेरा जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर GST को एप्लीकेबल करो, और मैं CGST लगा रही हूँ तो सेंट्रल टैक्स है ये। कितने परसेंट कैलकुलेशन करना है, तो मुझे 9% की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि ओवरऑल मेरा 18 था जिसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। CGST 9 और SGST भी 9 रहेगा। यहाँ पे आप नॉर्मल राउंडिंग 1 कर सकते हो और एक्सेप्ट करवा लो। जैसे ही मैं यहाँ पे CGST अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 9% टैक्स ऑलरेडी आ गया है। तो इसी तरह से मुझे यहाँ पे एक CGST की तरह स्टेट गवर्नमेंट का भी अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे एक न्यू लेज़र क्रिएट करेंगे जो कि मेरा रहेगा SGST का। SGST यानी कि स्टेट के अंडर मैं ले रही हूँ, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही रहेगा, इसको GST करना है। यहाँ पे आप स्टेट टैक्स अप्लाई कर दो और 9% ही रहेगा हमारा अमाउंट। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करनी है या नॉट एप्लीकेबल वो आपकी चॉइस है, और इसको एक्सेप्ट करवा लो। जैसे ही आपको एक्सेप्ट करवाओगे तो आपका यहाँ पर अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करवा लेते हैं। तो देखो, जैसे नीचे हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है वो सारी चीज़ों को प्लस करके आ रहा है, यानी कि जब मुझे बिल इसका कटवाना है, बिल मैं बनवाऊंगी, तो ये मेरा 8850 कैलकुलेट करेगा। तो एक बार इसको कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट करवा लेती हूँ। अब चलते हैं हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर, कंट्रोल ए। तो यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस भी आपको शो कर रहा है, ये मैंने पिछली एंट्रीज के अंदर ही अप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे आप आ जाओ डे बुक के अंदर, डे बुक के अंदर मुझे परचेज की एंट्री को ओपन करवाना है, और कंट्रोल पी करोगे आप इसको। कंट्रोल पी से आपको प्रिंट प्रीव्यू मिल जाता है इसका, तो आई प्रीव्यू पे जाओ। जैसे ही आप आई प्रीव्यू करोगे तो इस तरह से आपको एक बिल जनरेट होगा। जूम करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे स्टेट का नाम, हमारी कंपनी का नाम आ गया। जैसे स्क्रॉल करेंगे, गुड्स है, शर्ट्स ली थी जिसको 7500 हमारा अमाउंट बना था, और CGST SGST अलग से लगा के टोटल 10 पीसेज ऑफ शर्ट्स का मुझे 8850 अमाउंट पे करना पड़ रहा है। सो ये थी हमारी GST ऑन परचेज की एंट्री।
सो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया एप्स, द लिंक्स आर गिवन बिलो. थैंक यू.